एसडीएम ज्योति मौर्या केस में अब एक बार फिर से आ चुकी है एक नई अपडेट सामने। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्या को लेकर खबर ये है कि ज्योति मौर्या के केस में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का होगा सस्पेंशन, सचिव को मिला है बड़ा आदेश। केस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इसके बाद क्या चर्चा हो रही है तो देखिए ये खास रिपोर्ट। एसडीएम ज्योति मौर्या के विवाद केस में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा। उनके सस्पेंशन की अब तैयारी चल रही है जिसके बाद जल्द ही आदेश भी जारी किया जाएगा। एसडीएम ज्योति मौर्या विवाद में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और अब बड़ा फैसला ले लिया गया है। दरअसल डीजी होमगार्ड विजय कुमार की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मनीष दुबे पर कार्यवाही की और संतुष्टि भी की। मनीष दुबे पर सस्पेंशन और विभागीय जांच की संतुष्टि की गई। बता दें कि ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे को उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। प्रमुख सचिव होमगार्ड की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। बता दें कि महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर जल्द ही अब सस्पेंशन और विभागीय जांच की कार्यवाही हो सकती है। यूपी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने पत्नी ज्योति मौर्या और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। बता दें कि आलोक मौर्या ने पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्या के भ्रष्टाचार की शिकायत शासन से की थी और आरोप लगाया था कि पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई। आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्या पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप भी लगाया था। आलोक मौर्या ने यह भी आरोप लगाया था कि उसने पत्नी ज्योति मौर्या को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाया जिसके बाद उसने पति को छोड़ दिया। हालांकि कोर्ट में केस चलने के बाद आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी से समझौता कर लिया। इस मामले में ज्योति मौर्या ने भी आलोक मौर्या के खिलाफ धूमनगंज थाने में जो मुकदमा दर्ज किया था उसे वापस लिए जाने की अब बात चल रही है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।